We are on chapter number 11. Chapter number 11, Bank Reconciliation Statement. Okay. So, in this chapter, we'll reconcile. What we'll do here in this chapter, we'll reconcile the bank balance. अच्छा बैंक में अकाउंट है आप लोगों का, सबका होगा ऑब्वियस है, आई थिंक है ना, बैंक में अकाउंट. ओके, तो बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाते हो आप, तो आपको बैंक एक बुक देती है. उस बुक को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट बुक, पासबुक. राइट, पासबुक. व्हाट वी कॉल दैट बुक, पासबुक. हु मेक्स एंट्री इनटू द पासबुक, हु मेक्स एंट्री इनटू द पासबुक. पासबुक में एंट्री कौन देता है, पासबुक में एंट्री कौन पास करता है, हम या बैंक. दैट मीन्स ट्रेडर और बैंक, बैंकर, बैंक. राइट, बैंक गिव्स एन एंट्री इनटू द पासबुक. सो द ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर एंड बैंक, दैट बैंक रेकॉर्ड्स इट इनटू पासबुक. राइट, द ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर एंड बैंक, ट्रेडर और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करती है, वेयर बैंक रिकॉर्ड्स इट, इट इज रिकॉर्डेड बाय बैंक इनटू इनटू बोलो 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 इनटू पासबुक. राइट, क्लियर. एंड वेयर द बिजनेसमैन विल रिकॉर्ड द सेम ट्रांजैक्शन, इन विच बुक द बिजनेसमैन विल रिकॉर्ड, बिजनेसमैन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता होगा वही ट्रांजैक्शन. बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड करता होगा ना, सोचो सोचो सोचो. कैश बुक. ये राजा ही मुस्कान, हमेशा डिप्लोमेटिक, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाई देती है. क्लियर. तो जब हम बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन विथ बैंक, तो ट्रेडर कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता है उसे, ट्रेडर रिकॉर्ड्स इट इनटू कैश बुक. राइट, व्हाइल सेम ट्रांजेक्शन बैंक रिकॉर्ड्स इट इनटू पासबुक. द ट्रांजेक्शंस आर सेम और नॉट, whether it is recorded by trader or whether it is either it is recorded by trader or it is recorded by bank, that means it is recorded either in cash book or passbook, that same transactions are recorded same na, or different transactions are recorded there, bolo, think on it. सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं या डिफरेंट ट्रांजेक्शन, आवाज आ रही है मेरी, डिफरेंट ट्रांजेक्शन. रून, जो ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा वही ट्रांजेक्शन बैंक मेरे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी ना. रून, is it clear, bro? So the same transaction will be recorded. तो दोनों के हिसाब से balance कैसा होना चाहिए? How should be the balance between these two books? Same or different? Equal, right? Equal या तो same होना चाहिए. Clear? हाँ, डिफरेंस क्या आएगा, जो चीजें याद रखो कि आप कैश बुक के अंदर जो चीज डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो वही चीज पासबुक में बैंक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगी. क्लियर.
जो कैश बुक में आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो, बैंक वो डेबिट साइड। कैसे? जरा ये समझ लो कैसे। जो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड ना, बैंक उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगी, और जो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो वो बैंक पासबुक में। क्योंकि जब हम गिनते हैं बैंक इज रिसीवर, तो बैंक क्या गिनती है? ट्रेडर इज गिवर। क्लियर? वेल, वी आर कंसिडरिंग बैंक इज रिसीवर द सेम टाइम वट बैंक कंसिडर ट्रेडर इज गिवर। जब हम गिनते हैं बैंक इज गिवर, तब बैंक क्या गिनती है? ट्रेडर इज रिसीवर। इज इट क्लियर? सो द ट्रांजेक्शन विच अपियर डेबिट साइड इन टू द कैश बुक विल अपियर क्रेडिट साइड इन द पासबुक। द ट्रांजेक्शन विच अपियर क्रेडिट साइड इन कैश बुक विल अपियर डेबिट साइड इन पासबुक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अबाउट ट्रांजेक्शन? पर बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम। फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है वो वापिस हम थोड़ा समझ लें कि बैंक बैलेंस क्या होता है, बैंक बैलेंस, और दूसरा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई मुझे कहेगा कैश बुक में बैंक बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बोलो कौन सी साइड लिखते थे कैश बुक में बैंक बैलेंस, कौन सी साइड लिखते थे? बोलो बोलो, सोच के बोलो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट और क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट दो लिखा है, क्यों लिखा है बेटा? बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। भूली तो नहीं गया ना वैकेशन नहीं अंदर, पची यू ना था हमारे कैश बुक सिखवाड़ पड़े। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, राइट? तो पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? अकॉर्डिंग टू पासबुक क्या होगा, क्रेडिट, राइट? और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट। तो पासबुक के हिसाब से क्या होगा, पासबुक के हिसाब से क्या होगा, डेबिट। क्लियर? तो इसपे से चार सेंटेंस बनते हैं। इस पे से कितने सेंटेंस बनेंगे, चार सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो क्या होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, डेबिट। सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, वो होगा क्रेडिट। थर्ड सेंटेंस बनेगा बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वो क्या होगा, क्रेडिट। और फोर्थ सेंटेंस बनेगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और वो क्या होगा, डेबिट। जस्ट 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 वेट, लेट मी चेक इट आउट। ओके ओके ओके, जस्ट वेट जस्ट वेट। Now all fine, okay?
क्लियर? ये चार सेंटेंसेस क्लियर? दिस फोर सेंटेंसेस आर क्लियर नाउ? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर दो सर को. चलो कि सपोज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, सपोज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 1 लाख, तो एज पर पासबुक क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. यस यस यस, ये शायद ये नेटवर्क इश्यू सुबह सुबह कई बार होता है ना, उस वजह से ऐसा हो रहा है बेटा. वॉइस हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर तो दो, तब तक सर ट्रबल शूट आउट करते हैं. क्वेश्चन का तो आंसर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 1 लाख अगर हो, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर 1 लाख हो, तो एज पर पासबुक क्या होगा? इज इट क्लियर? द क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? बोलो जरा, लिखूं क्वेश्चन लिखूं? सेम 1 लाख पर कौन सी साइड? ख्याल है कि बैंक बैलेंस, ये समझना है, बैंक बैलेंस रुपीज 1 लाख है, रुपीज 1 लाख है, तो कैशबुक में वो कौन सी साइड आएगा बैलेंस? कैशबुक में कौन सी साइड आएगा बैलेंस? कैशबुक में डेबिट होगा और पासबुक के अंदर क्रेडिट होगा. क्लियर? सेम, सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट है ₹20,000, तो कैशबुक में वो कौन सा बैलेंस होगा? कैशबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा. क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड है, याद रखना. और पासबुक में डेबिट. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल हैविंग अ डिफरेंट बैलेंस बिटवीन डिफरेंट टू बुक्स? अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों बुक अलग अलग बैलेंस बताए? क्वेश्चन क्या आ गया कि कैशबुक मैंने देखा इट गिव्स बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1,000 एंड पासबुक शोज बैंक बैलेंस ₹1,000. इज इट पॉसिबल? दोनों बुक अलग अलग बैलेंस बताए, क्या ये पॉसिबल है? बोलो, दोनों बुक अलग अलग बैलेंस बताए, क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है साहिल? दोनों में ट्रांजैक्शन तो हम सेम रिकॉर्ड करते हैं, फिर कैसे पॉसिबल है? बोलो बेटा. नो के बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया. अगर नो होता ना, धनरात्रि चैप्टर ही नहीं होता. मुस्कान, अगर नो होता ना तो ये चैप्टर ही नहीं होता. इसका मतलब क्या हुआ साहिल का आंसर? इसका मतलब क्या हुआ साहिल का आंसर?
सही है, राइट? साहिल का आंसर सही है। तो पर कैसे पॉसिबल है? जनरली कैश बुक कब क्लोज किया जाता है? कैश बुक या पासबुक हर महीने की आखिरी तारीख को क्लोज करते हैं हम। कब क्लोज करते हैं उसको? When do we close cashbook or passbook? Cashbook और passbook हर महीने की कौन सी डेट को क्लोज किया जाता है? Last date of every month. Clear? तो जब आप उसको last date को क्लोज कर रहे हो, जब आप उसको last date को क्लोज कर रहे हो, उस डेट को ऐसा पॉसिबल है कि आपने किसी को चेक दिया है, कौन से साइड लिखा होगा? इफ यू हैव गिवन चेक टू समवन, विच साइड हैव यू मेंशन रिकॉर्डेड इन कैश बुक? इफ यू हैव इश्यूड द चेक टू समवन, विच साइड विल यू रिकॉर्ड इन टू द कैश बुक? जो कैश बुक आवड़वू जो आनी अंदर वो कैश बुक नथी सिखवाड़वानो तुमने। बोलो बोलो बोलो। कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? अगर आपने किसी को चेक दिया लास्ट डेट को, Still I am awaiting for the reply. आपने कोई ने चेक आप ये कैशबुक में कई साइड रिकॉर्ड था है? बोली है? वंशिका, रोशन, साहिल, ब्रून, महक, मुस्कान, क्रेडिट साइड हमने चेक दिया ना, पैसे गए बैंक में से, ऐसा सोच के लिखेंगे? कौन सी साइड लिखेंगे? कौन सी साइड लिखेंगे? मुझे देखना पड़ेगा मेरे बच्चे क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इतनी जल्दी दिया करते हैं जो रिप्लाई। उमावती, रोशन, साहिल, मुस्कान, सारे बच्चे हैं लाइन पे, फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, फिर से एक बार बोलो। चलो, विच साइड विल यू रिकॉर्ड? विच साइड विल यू रिकॉर्ड? बोलो जल्दी। हाँ बोलो, ऐसा तो सर को थोड़ी हिम्मत बढ़े सर की, बराबर। क्रेडिट साइड, कौन सी डेट को दिया ये चेक आपने? कौन सी डेट को दिया ये चेक आपने? सर ने वो भी कहा, ऑन विच डेट दिस चेक इज गिवन? विच डेट? लास्ट डेट। अब ये चेक जिसको दिया वो लेके कब, अच्छा बैंक में एंट्री कब होगी? ये चेक आप दे दोगे तुरंत बैंक में एंट्री हो जाएगी, यस और नो? सपोज 5000 का चेक आपने किसी को दिया, बैंक में तुरंत एंट्री हो जाएगी, यस और नो? तुरंत हो जाएगी एंट्री? उमावती, हूं कोई ने चेक, हूं तमने चेक आपको तैयारी में एंट्री थी जाए बैंक में? उमावती, नो, राइट? कब होगी एंट्री? जिसको मैंने चेक दिया है वो इंसान वो चेक लेके बैंक में जाएगा, बैंक उसको पेमेंट करेगी, तब एंट्री वो जाके बैंक में होगी, राइट? क्लियर ना? सपोज वो उस दिन नहीं गया, दूसरे दिन गया। सपोज वो उस दिन नहीं गया बैंक में चेक लेके, दूसरे दिन गया, तो क्या होगा? कैशबुक और पासबुक का बैलेंस अलग आएगा या नहीं आएगा? विल देयर बी डेविएशन बिटवीन द बैलेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक? कैशबुक सपोज 25,000 बैलेंस बताएगा ना, तो पासबुक आपका 30,000 बैलेंस बताएगा, क्योंकि पासबुक में अभी तक वो एंट्री नहीं हुई है, राइट? क्लियर ना?
इसके अलावा और भी काफी मैटर्स हैं जिस वजह से दोनों बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। चेक करें हम इंट्रोडक्शन पोर्शन बुक के अंदर, चेक करें इंट्रोडक्शन पोर्शन, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश बैंक ट्रांजैक्शन इन द करंट सिनेरियो, बैंक सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड और बिजनेस, हर बिजनेसमैन का मोस्टली करंट अकाउंट बैंक में होता ही है, टू पे एंड रिसीव द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स रिकवरी थ्रू बैंक इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन मॉडर्न एज, क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन विद द बैंक ऑल्सो इंक्रीज मॉडिफाइड मेनी फोल्ड, कई प्रकार के ट्रांजेक्शन बैंक के साथ हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर द ट्रांजेक्शन विद और थ्रू थ्रू बैंक When any trader opens a bank account, bank gives a passbook or statement to him. जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमें अकाउंट स्टेटमेंट या तो पासबुक प्रोवाइड करती है। In this passbook, different transactions that have been effected by the trader with the bank are recorded. पासबुक में क्या रिकॉर्ड होता है भाई? ट्रांजेक्शन जो होते हैं ट्रेडर और बैंक के, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ ट्रेडर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक इन इट्स बुक। पासबुक क्या चीज है, डिटेल में फिर से आएगा, वहां भी देखेंगे भाई। ये कॉपी है ट्रेडर का अकाउंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से अपीयर हो रहा है वो मुझे कहां से पता चलता है? पासबुक पे से। द बैंक फिल्स अप द डिटेल्स इन द पासबुक टू इट्स कस्टमर्स। इफ ट्रेडर हैज मेंटेन्ड अ बैंक अकाउंट इन हिज लेजर और हैज मेंटेन्ड अ बैंक कॉलम इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द बैंक ट्रांजेक्शन, द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज वर्कड आउट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स वाइज, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली। ट्रेडर ने बैंक अकाउंट बनाया हो या कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम हो, उसको वो मेंटेन करता है वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली, वो बैलेंस को रिव्यू करता है। Generally, if a trader and bank, both parties have recorded all transactions correctly without any mistake, the balance of the bank account in the ledger of trader and the balance as per passbook tally. Generally, क्या होना चाहिए? Generally, क्या होना चाहिए? दोनों book के हिसाब से balances कैसे होने चाहिए? Tally होने चाहिए। Tally होने चाहिए मतलब क्या? Tally होने चाहिए मतलब क्या? दोनों book के हिसाब से balance बिना mistake करेक्टली सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं तो उसके बैलेंसेस टैली होने चाहिए। व्हाट इट मींस टैली होने चाहिए मतलब कैसे होने चाहिए बैलेंसेस, बोलो? हाउ शुड बी द बैलेंस? टैली मींस व्हाट? सेम, इक्वल, राइट? सेम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए जनरली, बट बिकॉज ऑफ सम एरर्स कमिटेड और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आइदर बाय बैंक और ट्रेडर और ड्यू टू अदर रीजन इफ डिफरेंट अराइज़ेस। लेकिन कई बार एरर की वजह से, ओमिशन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। बिटवीन बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस एज पर पासबुक, इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ सच। अब वो रीजन ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्यों डिफरेंस आया। क्लियर? कैशबुक बता रहा है 25,000 बैलेंस है, पासबुक बता रहा है 35,000 बैलेंस है, पासबुक ज्यादा बता रहा है या पासबुक कम बता रहा है? रीजन ढूंढना पड़ेगा या नहीं कि क्यों दोनों बुक में डिफरेंस आया भाई, व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू बुक्स। ओके, वो रीजन ढूंढ के दोनों को टैली करना पड़ेगा या नहीं? डू वी नीड टू मेक टैली देन? नहीं तो बिजनेसमैन ने ऊंघ ना आवे रहते क्या? શું થઈ ગયું છે? કેમ ભાઈ બેંક આવું બતાવે છે ને કેશબુક આવું બતાવે છે, શું કારણ છે? Do we need to find out the reason, causes, to make them both the balances tally? દોનો બેલેન્સ કો ટેલી કરના પડેગા, રાઈટ? After detection of reason, a statement prepared to reconcile. Reconcile કરના મતલબ મિલાના, મેળવણી કરવું. ઓકે, उसको रिकंसाइल करना। ये रीजन को ढूंढा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द रीजन अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर बोथ द बुक, दैट मींस एज पर बैंक अकाउंट एंड एज पर पासबुक, दैट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इज नोन एज BRS। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? BRS। सो आफ्टर डिटेक्टिंग द रीजंस about the different balances appeared in cash book and passbook, they are reconciled with the reasons, and for that purpose
A statement is prepared and that statement is called BRS, Bank Reconciliation Statement. Clear? Meaning भी आ गया introduction में, अलग से भी आएगा पर यहाँ introduction में meaning आ गया उसका. बोलो कोई doubt यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई doubt? हाँ फटाफट नो लिखो, यस लिखो, जो हो वो लिखो तो आगे बढ़े. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट. ये कोई अकाउंट नहीं है, देखो नाम में ही है, ये अकाउंट नहीं है. क्या चीज है ये? इट इज नॉट एन अकाउंट. व्हाट इज इट? इट इज नॉट एन अकाउंट. इट इज जैसे ट्रायल बैलेंस था ना, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इज अ स्टेटमेंट. उसी तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. क्यों यूज होता है भाई? इट इज यूज्ड फॉर रिकंसाइलिंग बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट या कैश बुक. इट शोज द कॉजेस, कॉज मींस रीजंस, एक्सप्लेनिंग सच डिफरेंस. भाई ये दोनों बुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया, उसके रीजंस ये बताता है. टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं. कौन सी दो चीजें मालूम है? एक होता है कैश बुक, या तो हम उसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है पासबुक. क्लियर? मतलब कैश बुक, या तो आप उसको बोलो बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो बैंक अकाउंट ही है, और दूसरा पासबुक. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. कैश बुक एंड ट्रेडर्स अकाउंट इन बैंक बुक्स ऑफ बैंक, दैट इज पासबुक. बैंक अकाउंट इन ट्रेडर्स बुक इज प्रिपेयर्ड आइदर सेपरेटली और बैंक कॉलम इन कैश बुक, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर ऑफ कैश बुक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, दैट मीन्स पासबुक. वेल, पासबुक क्या है? इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस बिटवीन ट्रेडर एंड बैंक. पासबुक मीन्स अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रेडर्स अकाउंट इन अ बुक ऑफ बैंक. के बैंक के बुक में ट्रेडर का अकाउंट कैसे अपीयर हो रहा है, वो एक्सट्रैक्टेड कॉपी. क्या चीज है? पासबुक. अ पासबुक देयरफॉर इज अ बुक और स्टेटमेंट गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक इन अ ट्रेडर्स अकाउंट इन लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक. पासबुक क्या चीज है भाई? ये कॉपी है, स्टेटमेंट है कि भाई ट्रेडर के अकाउंट में बैंक ने ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड किया, वो मुझे पासबुक पे से पता चलेगा. व्हेन ट्रेडर ओपन्स एन अकाउंट विद द बैंक, अ बुक गिवन बाय बैंक टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ दैट अकाउंट इज नोन एज पासबुक. नाउअडेज़ इंस्टेड ऑफ गिविंग पासबुक द बैंक गिव स्टेटमेंट. आजकल पासबुक की जगह पे कई बैंक क्या स्टेटमेंट भी देती है, फिक्स टाइम 3 महीने का, 1 महीने का, या 6 महीने का आप स्टेटमेंट निकलवा सकते हो. When trader deposits such cash or check in a bank or bank collects money on behalf of a trader at that time to give credit of that account to a trader. ख्याल है जारे trader पैसा deposit करे bank में, bank शू कर से नो account debit कर से के credit कर से. आपने bank में पैसा deposit करिए तो बैंक आपलो अकाउंट डेबिट करे के क्रेडिट करे, अथवा बैंक ने अपना अकाउंट में पैसा मड़ा बैंक आपलो अकाउंट डेबिट कर सके क्रेडिट कर सके. बोलो सोच के बोलो. साहिल हम 1,00,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करें तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? और हम क्या करेंगे कैश बुक में? हम 1,00,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करें तो कैश बुक में बैंक में क्या करेंगे हम? चलो 1,00,000 नो चेक हूं बैंक में डिपॉजिट कर, रुपया छोड़ो चेक डिपॉजिट करू तो कैश बुक में हूं शू करीश? कैश बुक में हूं शू करीश? 1,00,000 नो चेक हूं बैंक में डिपॉजिट करू, कैश बुक में हूं शू करीश?
હું ડેબિટ કરીશ ને રાઈટ બેંક શું કરશે પાસબુકમાં બેંક શું કરશે 1 લાખ રૂપિયાને ક્રેડિટ કરશે તો પહેલા રોંગ આન્સર આપ્યો ને બધા પહેલા બધા રોંગ આન્સર આપ્યો કે નહીં આપણે 1 લાખ રૂપિયા બેંકમાં ડિપોઝિટ કરીએ તો બેંક આપણું એકાઉન્ટ શું કરશે ડેબિટ કે ક્રેડિટ ये डेबिट क्रेडिट मालूम होना चाहिए आप लोगों को क्या करेगी बैंक हम 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करें तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और बैंक पासबुक में क्या करेगी क्रेडिट वही चीज यहां लिखा हुआ था इसलिए सर ने पेज भी चेंज कर दिया कि आप लोग क्रेडिट जान देख के ना बोलो देखो सर ने येल्लो किया है ना क्रेडिट को तो जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं Whenever bank receives money in our account, bank makes our account credit. And whenever bank pays from our account, हमारे account में से जब भी amount bank pay करेगी, कौन सी क्या करेगी bank debit या credit बोलो तो फरी 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 मारे लागे थे writing pad लिए ऊपर से Bank when receive cash, check or money and pays cash or by check या money receive किया या income receive किया money pay किया या expense pay किया चलो इसमें bank क्या करेगी हमारे account को debit करेगी या credit पहले वाले में बैंक रिसीव कर रही है क्या रिसीव कैश रिसीव करे चेक रिसीव करे मनी रिसीव करे इनकम रिसीव करे ये सब में बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगी क्रेडिट और जब भी बैंक पे करती है उसमें क्या करेगी डेबिट क्लियर यही चीज जब हम ये बैंक की बात की अगर कैश बुक होता तो रिसीव में हम डेबिट करते हैं और पेमेंट में हम क्या करते हैं क्रेडिट क्लियर इज इट क्लियर ना ओके तो वापिस आ जाए बैंक रिकॉर्ड्स इट इन क्रेडिट कॉलम ऑफ द पासबुक सिमिलरली व्हेन ट्रेडर विड्रोस जब भी विड्रो करते हैं मतलब हमारे अकाउंट में से पैसे गए तो बैंक क्या करेगी उसको डेबिट करेगी बैंक और ड्रॉस अ चेक ऑन बैंक और व्हेन बैंक पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर और रिकवर सम एक्सपेंसेस और कमीशन फ्रॉम द ट्रेडर इट इज रिकॉर्डेड बाय बैंक इन डेबिट कॉलम क्लियर यही चीज सर ने यहां पे लिखा क्लियर ना वो पैराग्राफ आ गया पूरा से यस और नो फास्ट ओके आगे बढ़े नेक्स्ट पैरा देखें फॉर बैंक ट्रेडर्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट बैंक के लिए ट्रेडर अकाउंट क्या है भाई बैंक अगर सपोज अपन बैंक लेके बैठे हमारे बैंक में अकाउंट है रमेश का अकाउंट है महेश का अकाउंट है सुरेश का अकाउंट है ये सब कौन है हमारे लिए पर्सन है राइट दीज आर पर्सन ओके तो बैंक कौन से रूल को यूज करती होगी पर्सनल अकाउंट के रूल को यूज करेगी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है मालूम है ना सबको While bank record the transaction in the trader's account, which rule bank uses? कौन से रूल को बैंक यूज करती होगी Debit the receiver, credit the giver. Clear? मतलब जब भी ट्रेडर रिसीवर है तो बैंक उसके अकाउंट को डेबिट करेगी और जब भी गीवर है बैंक उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगी So bank debits or credits the trader's account in passbook when trader withdraws cash from the bank. Pays for any expenses or makes any other payment, trader becomes receiver and therefore the account is debited and his account and when deposits cash bank or cash in the bank or bank collects any other amount on behalf of trader, he becomes the giver and therefore his account is credited. एक specimen दिया हुआ है देखो passbook का generally passbook में क्या columns होते हैं तो date होता है particular check number अमाउंट विड्रॉन बैंक डेबिट करती है अमाउंट जो भी अमाउंट हमारे अकाउंट में से गया उसको डेबिट करेगी जो अमाउंट अकाउंट में आया उसको बैंक क्रेडिट करती है
डिफरेंस लिखा जाता है और सिग्नेचर ऑफ बैंकर नॉर्मली आजकल क्या मशीन से जनरेट होता है, तो बैंकर सिग्नेचर का कॉलम अब आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? बोलो कोई डाउट अंशुदी? अंशुदी कोई डाउट? आगे बढ़िए। डेट, डेट कॉलम में बैंक क्या लिखेगी? भाई डेट लिखेगी, ओके, जिस तरह से लिखा जाता है। पार्टिकुलर्स में भाई किस चीज का है या कौन से पर्सन का चेक है उसका नाम लिखा जाता है, कई बार चेक का नंबर लिखा जाता है एटसेट्रा। अमाउंट विड्रॉन, जो भी अमाउंट बैंक में से हमारे अकाउंट में से गए हैं, हमने विड्रॉ किया या हमने किसी को चेक दिया है या बैंक ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, हमने लाइट बिल टेलीफोन बिल चेक से पे किया है या बैंक ने कमीशन चार्जेस रिकॉर्ड किया, वो सब अमाउंट विड्रॉन डेबिट वाले में आएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड, हम कैश डिपॉजिट करें या हम चेक बैंक में डिपॉजिट करें या कोई पर्सन बाहर से हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करे, तो वो सब, या कोई इनकम हुई है तो वो बैंक हमारे अकाउंट में ला के डाले, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट होती है। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस, पासबुक की बात कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस। बैलेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर डेबिट और क्रेडिट। बोलो डेबिट बैलेंस क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। ओवर डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा बेटा, मुस्कान। और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? बैंक बुक की बात कर रहे हैं, कौन सी? पासबुक की, बैंक के बुक, पासबुक की। कैश बुक में उल्टा, कैश बुक में क्या होता है उससे उल्टा बैंक के बुक उसमें, बराबर। सो डेबिट बैलेंस पासबुक में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहलाएगा और क्रेडिट बैलेंस बैंक बैलेंस कहलाएगा। सिग्नेचर ऑफ बैंकर, सिग्नेचर ऑफ बैंकर की बात करें तो जो भी ट्रांजेक्शन जब मैन्युअली अकाउंट्स लिखे जाते थे ना, मैन्युअली उस टाइम में जो भी एंट्री डालने वाला वहां पे काउंटर पे पर्सन बैठता था ना, वो ट्रांजेक्शन लिखने के बाद सिग्नेचर किया करता था। अब आजकल मैन्युअली अकाउंट्स लिखे जाते हैं, पासबुक में एंट्री मैन्युअल होती है, सोचो यस और नो। तो सिग्नेचर का कॉलम आजकल पासबुक में मिलेगा आपको, यस और नो? विल यू गेट द सिग्नेचर कॉलम इन? क्लियर? तो आजकल ये कॉलम मेंटेन, दिस कॉलम इज नॉट मेंटेन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से ये कॉलम आजकल देखने को नहीं मिलता है। बाकी डिस्क्रिप्शन से अब ये कैश बुक सूचे तो खबर छे बताने, कैश बुक सूचे खबर छे टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन विद बैंक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यहाँ पे बैंक कैश बुक में पूरे कैश बुक की बात नहीं करेंगे हम, मेनली कौन से कॉलम की बात करेंगे कैश बुक के। विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल द कॉलम्स, विच कॉलम अबाउट विल डिस्कस हियर? क्या कॉलम नहीं बात करी सो आपने कैश बुक ना, जो सर येलो करी दी तू ने, बैंक कॉलम, राइट? व्हेन ट्रेडर डिपॉजिट चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर विद द बैंक बिकम्स रिसीवर। हम बैंक को पर्सन गिनते हैं तो रिसीवर हो तो हम डेबिट करते हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। सेम वे जब हम इनकम कोई कलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, कमीशन, तो ट्रेडर भी हाफ बैंक रिसीव करती है तो उससे भी बैलेंस इंक्रीज होता है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। इससे उल्टा जब भी हम किसी को चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं या एक्सपेंस पे करते हैं, तो उससे बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, ये बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर मींस दैट एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ रिसीव साइड ओवर द टोटल ऑफ पेमेंट साइड। भाई रिसीव्ड का टोटल ज्यादा है और पेमेंट का टोटल कम है तो कहलाएगा बैंक बैलेंस, ओके। दस बैंक बैलेंस मींस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। टोटल ऑफ डेबिट साइड में से टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस करो, उसको हम बैंक बैलेंस बोलते हैं और ये डेबिट होता है कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक के हिसाब से क्या होता है? डेबिट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद द बैंक अ फैसिलिटी टू विदड्रॉ द मोर अमाउंट देन द बैंक बैलेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? OCM में सीख लिया सबने। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? दैट बैंक हैज परमिटेड टू विदड्रॉ द एक्सेस अमाउंट एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। नोन और नॉट? खबर जे बताने।
कैशबुक वाले चैप्टर में भी हमने बात की थी ये। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट में कौन सी साइड टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, मतलब रिसीप्ट साइड या पेमेंट साइड, विच साइड टोटल विल बी मोर इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, विच साइड टोटल विल बी मोर, कई साइड टोटल बता रहे हैं, डेबिट साइड, डेबिट साइड ग्रोन, बैंक ओवरड्राफ्ट में पेमेंट साइड बता रहे हैं ना, पेमेंट 2 लाख का किया है और रिसीप्ट साइड है आपका 1,50,000, तो 50,000 डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, डिफरेंस डेबिट साइड आएगा, वो बैलेंस क्रेडिट कहलाएगा, याद है ना ये चीज, भूल तो नहीं गए, आउसे डिफरेंस डेबिट साइड पर बैलेंस क्यों केवा से ए क्रेडिट राइट। तो ये बात हो गई बैंक ओवरड्राफ्ट की, यही सेम चीजें ये दो पैराग्राफ रीड कर लेना, कैशबुक के हिसाब से हमने बात की, जो पासबुक में क्या होगा इससे, पासबुक में क्या होगा इससे उल्टा, सर ने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया था क्लियर, यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि भाई बैंक बैलेंस अगर कैशबुक है तो उसमें डेबिट होगा और अगर पासबुक है तो उसमें क्रेडिट होगा, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट कैशबुक है तो क्रेडिट होगा और पासबुक है तो वो डेबिट होगा, क्लियर ना, ये चीजें क्लियर ना, इतनी बोलो बोलो फटाफट, थोड़ा रिप्लाई दो, फास्ट रिप्लाई दो। आगे देखें, तो एज वस्तु जो बैंक बैलेंस इट इज रिसीवेबल, देयरफॉर शोज द डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल है इसलिए डेबिट बैलेंस होता है, ये बिजनेस मतलब कैश बुक और फॉर बैंक मीन्स पासबुक, बैंक के लिए वो अमाउंट पेएबल है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए पेएबल है, ये रिसीवेबल था ये पेएबल है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, वही चीज बैंक के लिए रिसीवेबल है इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, यहाँ लिख दो कैशबुक और यहाँ लिख दो पासबुक, ख्याल आ गया, यहाँ क्या लिख दो कैशबुक इस जगह पे और इस जगह पे लिख दो पासबुक। Now meaning of bank reconciliation statement. In normal circumstances, balance as per cashbook and passbook should be same. जो starting में सर ने बात की थी कि कैसा होना चाहिए, same होना चाहिए, right? और अगर हमेशा same हो ना, तो BRS की जरूरत पड़ेगी, yes or no? कि सर दोनों का balance same ही होता है, तो BRS की जरूरत पड़ेगी, yes or no? तो नहीं पड़ेगी, सर ने शुरुआत में ही बात की थी, पर ये सेम नहीं होते हैं, कई बार नहीं होते हैं सेम, भाई क्यों सेम नहीं है वो रीजन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडर को नींद नहीं आएगी रात को कि क्या हुआ, क्यों ये बैलेंस डिफरेंट है। तो सेम होना चाहिए इफ एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैशबुक इज कंपेयर्ड विद द बैलेंस एज पर पासबुक, बट इफ डिफरेंस अराइजेस, difference arises after finding out the reason thereof, a statement is prepared to explain them and to reconcile balance as per cash book and passbook is known as bank reconciliation statement. Clear? भाई bank reconciliation statement क्या है? At particular time interval, the balances of both the books, cash book and passbook of bank column found out. If difference arises, we find the reason and explain them to reconcile the balance as per cash book and passbook. A statement is prepared and that statement is called. उस statement को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उस statement को हम? Bank reconciliation statement. हो गया शुरू ना? शुरू हो गया short में लिखना भी, यार सर इतना लंबा कौन लिखेगा, कौन बोलेगा, इसलिए इसलिए हम शॉर्ट में बीआरएस बोलेंगे। चलो मीनिंग ख्याल आ गया। अच्छा कौन बनाएगा भाई बीआरएस, कौन बनाएगा? Who will prepare the BRS? बैंक और ट्रेडर, कौन बना उसे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय,
ओके कब बनाएगा, कब बनाएगा? एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जनरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. व्हेन विल बी प्रिपेयर्ड? बैंक नहीं, कौन बनाएगा रोशन? बैंक नहीं, कौन बनाएगा? बीआरएस विल प्रिपेयर. बी बैंक जो बीआरएस बना बेस, बैंक पास कैशबुक छे, बैंक पास तमारू कैशबुक छे. बीआरएस बनावती वक्त बनने वस्तु जोइए के ना जोइए? चलो हा के ना. At the time of preparing VRS, we need to have both the books, cash book and pass book. आप बनने नहीं कॉपी कोनी पासे आसे? कोनी पासे आसे आप बनने नहीं कॉपी? Right, trader. जो बैंक बना बेसे और बैंक में suppose 50,000 customers हो तो 50,000 नोट VRS बैंक बनाओ से दर महीने. Is it logical? No. मेरा अकाउंट है बैंक में, मुझे बीआरएस बनाना है, मुझे जानना है कि भाई क्यों डिफरेंस अराइज हुआ. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. सो ट्रेडर प्रिपेयर्स भाई क्यों बनाना है? पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस. Yes. या तो उसको बोलेंगे यूजफुलनेस या इंपॉर्टेंस. विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक पासबुक कैन बी फाउंड आउट. सबसे मेन पर्पस क्या है? रीजन फॉर डिफरेंसेस कैन बी फाउंड आउट. कि भाई ये दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आया, दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आया? भाई कैशबुक बता रहा है 25,000 बैलेंस होना चाहिए, पासबुक बता रहा है 20,000, ये 5,000 का डिफरेंस क्यों है? ये आपको कब पता चलेगा? व्हाइल यू प्रिपेयर. क्या रे खबर पड़ से बीआरएस, राइट? फर्स्ट रीजन या यूजफुलनेस या पर्पस की बात कर रहे हैं. सेकेंड, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस कैन बी फाउंड आउट बिटवीन बोथ द बैलेंसेस. तो अगर कोई एरर है, ओमिशन है, कैन बी डिटेक्टेड एंड इट्स नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी गिवन. कोई गलती होगी तो पकड़ी जाएगी बीआरएस बना के, यस और नो? If there is some error committed while preparing either cash book or passbook can be detected na, तो उसको necessary treatment दे सकते हैं, उसका rectification entry हम दे सकते हैं. Rectification entry कैसे देंगे वो हम first chapter में सीखेंगे. कहाँ सीखेंगे? Rectification, उसे detect करके rectify कैसे करना है कहाँ सीखेंगे? कौन से chapter में बोलो? हाँ, ब्रुंद ने पूरा लिख दिया. पार्ट टू के फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. इफ एनी ट्रांजेक्शन इज ओमेटेड, कोई ट्रांजेक्शन अगर लिखना भूल गए हैं, कैन बी नोन थ्रू प्रिपेयरिंग बीआरएस और नॉट. कि भाई कैशबुक में एक एंट्री है, पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है कैशबुक में नहीं, इसका मतलब किसी बुक में वो एंट्री लिखना रह गया है. घनी बार एवं थे दुकान बंद करती वक्त कोई ने चेक आप्यू अने आपणे कैशबुक में लखवानू भूली गया, चेक लईने बैंक में गयो, पैसा बैंक आपी जा, पासबुक में एंट्री थई गई. ख्याल आयो? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो वो भी आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो बीआरएस बना के, वो जो ओमिशन है. तो पहला पॉइंट हमने देखा, रीजन पता चलता है, दूसरा एरर, तीसरा ओमिशन. फोर्थ, इफ एनी एरर आर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन. भाई रिकॉर्डिंग का कोई एरर है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम कोई एरर है, एनी ऑफ द बुक कैन बी कम टू नो इमीडिएटली एंड एरर कैन बी रेक्टिफाइड. ओके, सपोज 5,000 का चेक दिया था आपने, 5,000 का चेक दिया था आपने, गलती से 500 लिखे या 50,000 लिखे, डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा बैलेंस में? एक जीरो कम लिख दिया, एक जीरो ज्यादा लिख दिया, तो इस प्रकार के एरर भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो. बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, एक्चुअल बैंक बैलेंस कैन बी नोन एंड विच इज शोन इन द बैलेंस शीट एंड देयर बाय रियल फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लियर और ऑब्टेन्ड. बीआरएस बनाने से हमें एक्चुअल कैश बैंक, एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलता है. अगर बैलेंस में कोई गड़बड़ी है वो पकड़ी जाती है, और रियल फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट की हमें पता चलती है. कैश एम्बेजलमेंट कैन बी नोन. कैश नहीं ऊंचा पर रोकड़ आम तेम थई हुए बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू, तो बीआरएस बनावे ने तो पकड़ाई जाए. बीआरएस बनावा थी
क्लियर. पॉइंट नंबर सिक्स, कैश एम्बेजलमेंट. सेवन, कॉम्पेंसेटिंग एरर. कई अच्छा, बीआरएस कब जरूरी है? दोनों बैलेंस में डिफरेंस हो तो जरूरी है, या बैलेंस सेम हो तो भी बीआरएस बनाना पड़ सकता है? क्वेश्चन ख्याल आएगी? क्वेश्चन ख्याल आएगी? जो लखू बे पोजीशन, बे पोजीशन, पोजीशन वन, पोजीशन टू. एक है कैश बुक, दूसरा है पासबुक. भाई कैश बुक आपको बता रहा है बैलेंस 10,000 डेबिट, तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, पर पासबुक आपको बता रहा है 12,000. बीआरएस जरूरी है या नहीं है इस वाले में? डू बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरएस? क्योंकि जितलू डेबिट है एटलू बीजा में क्रेडिट होवु जोइए. यस रिक्वायर्ड. सेकंड पोजीशन कि कैश बुक आपको बता रहा है 10,000 डेबिट, मतलब बैलेंस बता रहा है, और पासबुक बता रहा है 10,000 क्रेडिट. यहां बीआरएस जरूरी है या नहीं है? सेकंड वाले में रिप्लाई देने में देर हो रही है. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि मैंने बैंक में 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था. इज इट पॉसिबल? सोचना कि मैंने बैंक में चेक 10,000 का डिपॉजिट किया, वो कैश बुक में डेबिट है, पर अभी तक बैंक में पैसे नहीं आए उसके, और किसी मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में 10,000 डाल दिए, वो पासबुक में एंट्री हो गई पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो बैलेंस दोनों में सेम आएगा या नहीं? ख्याल आयो? क्वेश्चन ख्याल आयो? फरी थी कहो, पर बनने ना ट्रांजेक्शन सेम छे कि अलग छे? ट्रांजेक्शन बनने ना सेम छे कि अलग छे? ट्रांजेक्शन डिफरेंट है. मैं जो चेक गिन रहा हूं कैश बुक में वो बैंक में नहीं है, और जो बैंक वालों ने गिना है वो कैश बुक में नहीं है, पर बैलेंस कैसा आया? बैलेंस कैसा आया? बैलेंस कैसा आया दोनों का?